नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं काजू करी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। तो चलिए सामग्री देख लेते हैं कि क्या क्या लगती है। आधी कटोरी काजू, एक कटोरी मटर, हरी मटर है, और ये मूंगफली के दाने, ये ऑप्शनल है पूरी तरीके से। अगर आपको पसंद है तो लीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। 3 प्याज, 3-4 लहसुन की कलियां और थोड़ी सी अदरक, 3-4 टमाटर, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और ये नमक स्वाद के अनुसार। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने पैन रख दिया है, गैस ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में। और अब हम इसमें डाल देंगे मूंगफली, हम इसको रोस्ट कर लेंगे, तेल नहीं डालेंगे, बिना तेल के ही इसे भूनेंगे। देखिए मूंगफली हमारी भून चुकी है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये देखिए हमारी मूंगफली भून चुकी है, अब थोड़ी देर इसे ठंडा हो जाने देंगे। इसके बाद इसका छिलका उतार करके और इसे पीस लेंगे। गैस पे फिर से हमने पैन रख दिया है, गैस ऑन करेंगे तेज फ्लेम में। और पैन हमारा अभी गर्म है, इसमें तेल नहीं डालेंगे, हम काजू तलेंगे लेकिन बिना तेल के भूनेंगे काजू को। इसी तरीके से चला चला करके अच्छे से भून लेंगे। अब गैस को मंदी कर देंगे और मंदी गैस पे इसे भूनेंगे इसी तरीके से चला चला करके। ये देखिए काजू हमारी भून चुकी है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये काजू भून चुकी है, अब इसे रख देंगे साइड में और गैस पे फिर से पैन चढ़ाएंगे। गैस पे पैन रख दिया है और तेल डाल दिया है, गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में और तेल को थोड़ी देर गरम हो जाने देंगे। जब तेल गरम हो जाए तो इसमें डाल देंगे मटर, पहले हम मटर को भून लेंगे। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और गैस को मंदी कर देंगे। अब हम इसे खोल करके चेक करेंगे, चला लेंगे। मटर हमारी पक चुकी है, गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल देंगे एक प्लेट में। इस तरीके से हो गई है हमारी मटर, हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है और इसे रख देंगे साइड में और गैस पे पैन चढ़ाएंगे। गैस पे पैन चढ़ा दिया है और तेल डाल दिया है, तेल को थोड़ी देर गर्म हो जाने देंगे। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें डाल देंगे ये लहसुन और अदरक की कलियां, डाल देंगे थोड़ी सी जीरा, इसे भी चला लेंगे। प्याज डाल दीजिए इसी में, 3 प्याज काटी है। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब इसमें हम डाल देंगे अपना टमाटर, हमने 3 टमाटर काट करके रखे हैं इस तरीके से। और यहीं पर डाल देंगे आधा चम्मच नमक ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए, और इसे ढक करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए और गैस को मंदी कर देंगे। गैस को तेज कर देंगे और इसे खोल करके चेक करेंगे। इससे पहले मैं इसे 2 बार चेक कर चुकी हूँ खोल करके, 2 बार हमने इसको चलाया है इससे पहले। तो ये देखिए टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल करके रख लेंगे इसे ठंडा होने के लिए। इसे एक प्लेट पर रख लिए हैं ठंडा होने के लिए, इसको ठंडा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे जरूर ठंडा करिए, इसके बाद पीसेंगे इसे। मिक्सी का जार ले लेंगे, इसमें हमने मूंगफली को पीस लिया है पहले ही सूखा सूखा ताकि ये गीला नहीं हो। और अब हम डाल देंगे इसमें ये टमाटर और प्याज, अदरक और लहसुन जो हमने पकाया था उसको डाल देंगे इसी में। अब डाल देंगे काजू इसी में और इसे पीस लेंगे, इसे खोल करके चेक कर लेंगे, चला लेंगे इसे। ये देखिए अभी अच्छे से नहीं पीसा है, थोड़ा सा इसे और पीसेंगे, लेकिन इसमें डाल देंगे ये मूंगफली, हमने इसको पीस करके रखा है, ये ऑप्शनल है मैंने पहले ही बताया था। थोड़ा सा इसे चम्मच से चला लेंगे इस तरीके से और इसे थोड़ा सा और पीस लेंगे। ये देखिए हमारा ये मसाला पूरा अच्छे तरीके से पीस चुका है, अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस में। गैस पे पैन चढ़ा दिया है और गैस को ऑन कर देंगे तेज फ्लेम में। मैं सेम वही वाली कढ़ाई ले रही हूँ, दूसरी नहीं ली हूँ। तेल हमारा गरम हो गया है, हमें इतना ही तेल गरम चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर और इसे थोड़ा सा इस तरीके से मिला देंगे, हल्दी पाउडर इसे भी मिला लेंगे, धनिया पाउडर। अब जो हमने ये सारे मसाले पीस करके तैयार करे हैं ये डाल देंगे इसी में,
और इसे इस तरीके से अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए तेल छोड़ने लगा है, इसका मतलब हमारा मसाला पक चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। गरम मसाला हमेशा लास्ट में डालिएगा ताकि अच्छा इसकी खुशबू आती है। अगर आप पहले ही डाल देंगे तो इसकी खुशबू नहीं आती है इतनी ज्यादा। ये देखिए कैसे तेल छोड़ दिया है, मसाला हमारा पूरी तरीके से पक चुका है। अब इसमें है पानी डालने की बारी, तो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो हमने जो इसमें मसाला पीसा था उसी में पानी डाल दिया है, तो इस पानी को इसी में हम डाल देंगे और इसे हम इस तरीके से चला लेंगे और इतना पानी और डालेंगे। इस गिलास में हमने फुल गिलास भर के पानी डाला है इसमें, और इसे मिला लेंगे इस तरीके से मसाले को। अब डाल देंगे नमक। नमक स्वाद के अनुसार, मैंने आधा चम्मच नमक पहले भी ऐड करा था इसमें और आधा चम्मच अब ऐड कर रही हूँ। इसे चला लेंगे इस तरीके से। मसाले में उबाल आ गई है, अब हम इसमें डाल देंगे मटर जो हमने तल करके रखा था, उसे डाल देंगे इसमें और इस तरीके से चला लेंगे और गैस को मंद कर देंगे और इसे ढक करके रख देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि मटर हमारी जो है तो अच्छे से गल जाए। 2 मिनट हो गए हैं, हम इसे खोल करके चेक करेंगे। चला लें इसे इस तरीके से। अब इसमें डाल देंगे काजू ताकि ये भी अच्छे तरीके से नरम हो जाए। इसे भी चला लें इस तरीके से। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए फिर से ढक करके रख देंगे। थोड़ी देर हो चुकी है, अब हम इसे खोल करके चेक करेंगे। चला लें इस तरीके से। ये देखिए कितनी थिक बनी है हमारी सब्जी, बिल्कुल पक करके तैयार हो गई है। मटर भी किस तरीके से फूल गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और चलिए चलते हैं प्लेटिंग की तरफ। ये हमारी काजू करी की सब्जी बन करके तैयार है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बगल में छोटी सी घंटी है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हमारी नए नए रेसिपी के वीडियो आपको सबसे पहले मिले।